पहला अध्याय उसके 19वें वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा कि वो चीजें लिख जो हो गई, जो है और जो होने वाली है, तीन चीजें। आमीन। तो ये तीन चीजों में हमने अपने प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब को 22 अध्याय को डिवाइड कर दिया। आमीन। पहले अध्याय जो था, सबसे पहला अध्याय जो चीजें हो चुकी है, आमीन, उसने देखा वो चीजों को जो चीजें हो चुकी है। और दूसरा प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय जो चीजें हो रही है उसने देखा, जो कलीसिया में, और जो होने वाली है वो उसने बाद में देखा, चौथे अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक। ये तीन भागों में प्रकाशित वाक्य डिवाइड होता है। आमीन। आमीन। तो पहले अध्याय में हमने जो चीजें हो गई, जो चीजें हो रही है और जो चीजें होने वाली है, दूसरे और तीसरे अध्याय में हमने कलीसिया, सात कलीसियाओं के बारे में सीखा। आमीन। चौथे और पांचवें अध्याय में क्या सीखा, किसी को याद है? परमेश्वर की आराधना और पांचवें अध्याय में वो मेमना जो योग्य है उस पुस्तक को खोलने के, सात मुहरें जिसपे है उस पुस्तक को खोलने के लिए वो मेमना योग्य है, पांचवें अध्याय में। आमीन। छठे अध्याय में आगे हमने क्या देखा, छठे अध्याय से शुरू होता है अध्याय से दानियल का 70 हफ्ता। आमीन। जो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था उस टाइम पे, लेकिन अब सबके दिमाग में बैठ चुका है। तो दानियल का 70 हफ्ता क्या है, कोई एक्सप्लेन करे, एक सब लोग बोलो। दानियल का 70 हफ्ता, पहला हफ्ता में क्या था, सिर्फ हफ्ता बोलो, पहला हफ्ता क्या था? सात। दूसरा 62। ग्रेट, क्या बात है, सुबह वन। और ईयर उसका साल 49। फर्स्ट 49, सेकंड 34, और दूसरा 79। इन भागों में हमने देखा कि कैसे ये डिवीजन हुआ, 49 साल ये शुरू कब हुआ, चौदह मार्च। और सब लोग सो रहे हैं, मैं आंटी और अनीता चुप रहो, बाकी के सब लोग बोलो, बाकी 49 जो साल है वो शुरू कब हुआ, 14 मार्च 445 BC। ओके, क्या हुआ ये 49 साल में, जब ये शुरुआत हुआ तो क्या हुआ, मंदिर बनने की आज्ञा दी गई, डायरस राजा और अर्थसेक्सिस और साइरस राजा ने दिया 49 साल में पूरा मंदिर जो है यरूशलेम का वो तैयार होने के लिए। आमीन। ये 49 साल में जो तैयार किया गया मंदिर वो किसके किसके द्वारा हुआ, इज़रा, नहमाया, ज़रुबाबेल। आमीन। ये मंदिर तैयार होने के बाद ये 434 साल में क्या हुआ, 49 इयर्स खत्म होने से लेकर 434 ईयर तक ये सालों में क्या था, उसके बाद अभी यीशु आया और यीशु उस पे चढ़ा गया। ओके, करेक्ट, मसीहा था यहाँ पर आना इन द सेंस, उसने जब यरूशलेम की ओर देखकर कहा कि मैंने कितनी बार तुझे चाहा कि अपने पंखों में लूँ, लेकिन तूने आना ना चाहा। आमीन। तो यहाँ पर उसके कुछ ही दिन के बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। ये 434 साल खत्म होने के बाद यहाँ पर बीच में अभी ये बाकी का 7 साल अभी हो गया कि बाकी है, बाकी है। तो ये कब पूरा होगा, इसके बीच में क्या है, ये 7 साल के बीच में क्या होगा, 3.5 साल। नहीं नहीं, 7 साल को डिवीजन छोड़ दो अभी फिलहाल, 434 ईयर्स खत्म हो गए यीशु मसीह को आके हो गया टाइम, और उसके बीच का ये 2000 साल क्या था, कलीसिया बीच में आ गया। आमीन। बीच में कलीसिया आ गया, 434 ईयर्स यहाँ पे खत्म हुए, बाकी का 7 साल यहाँ से शुरू होगा। ये बीच में क्या आया, चर्चेज, कलीसिया आ गया बीच में, इसलिए परमेश्वर अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि परमेश्वर को फिर से इसराइल के साथ वापस डील करना है। तो यहाँ पर कलीसिया बीच में है, परमेश्वर कलीसिया को रैप्चर में उठा लेगा, जैसे ही कलीसिया रैप्चर में उठा ली गई, 7वां यहाँ पर जो साल है वो शुरू हो जाएगा, महासंकट का 7 साल। आमीन। अब महासंकट का 7 साल हम देखेंगे, अभी आप लोग आंसर दो, मैं ज़्यादा बोल रही, ये 7 साल महासंकट के कैसे डिवाइड करना है इसको, साढ़े तीन साल, पहले 3.5 साल में कौन से वचन से लेके कौन से वचन तक है,
प्रकाशित वाक्य प्रकाशित प्रकाशित वाक्य छः एक से लेकर नौ इक्कीस तक। ये पहला 3.5 साल के बारे में बात करते हैं। पहला 3.5 साल प्रकाशित वाक्य छः एक से लेकर प्रकाशित वाक्य 9:21 तक खत्म होता है। आमीन। ये 3.5 साल में लेसर ट्रिब्यूलेशन है, जो महासंकट होगा वो कम होगा। आमीन। यहाँ पर हम सिर्फ मेमने का प्रकोप देखेंगे। यहाँ पे मसीह विरोधी जो है वो सिर्फ शांति का वाचा बांधता है इसराइलियों से। फिलहाल वो शांति दिखा रहा है। बाकी के 3.5 साल वो आज हम देखने वाले जो 13 अध्याय से आगे है। ये मिडल वीक के बारे में हमने कुछ सीखा था। ये पहला 9:21 तक हो गया। कल हमारा कौन से अध्याय तक कंप्लीट हुआ था? 12 अध्याय। 9:21 के बाद ये मिडल अध्याय का किसी को वचन याद है? कब से कब तक था? कौन से वचन से? 10 से 13 18 अगर किसी को याद नहीं था तो वो लिख ले 10, क्योंकि कल लास्ट में बहुत भागे। तो आज ब्रदर शायद वापस से 12 चैप्टर आपको वापस रिकैप कराएंगे, क्योंकि कल 12 अध्याय का बहुत लोगों का मिस हुआ होगा, क्योंकि हम लोग ही थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में थे 12वें अध्याय को लेकर। तो आज फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो। तो प्रकाशित वाक्य 6:1 से लेकर 9:21 तक 3.5 साल यहाँ पर पूरे हुए, जहाँ पे कम संकट था हमने देखा। और 10:1 से लेकर 13:18 तक मिडल वीक आता है। ओके, यहाँ अभी सील देखेंगे। पहले 6 अध्याय पे आते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहले वचन से। पहला सील, पहला मुहर कौन सा है? पहला मुहर सफेद घोड़ा शांति। दूसरा मुहर लाल घोड़ा युद्ध। तीसरा मुहर काला घोड़ा। चौथा पीला घोड़ा मृत्यु और अधलोक, या मृत्यु और नर्क। आमीन। पांचवा मुहर पांचवा मोहर वेदी के नीचे जो संत जो रो रहे कि हमारा न्याय तू कब करेगा। छठा सील, छठा मोहर मेमने का प्रकोप। आमीन। मेमने का प्रकोप, जब मेमने के प्रकोप में क्या होता है? सूर्य काला हो जाता है, चंद्रमा लाल और तारे गिरते हैं और भूकंप आता है। आमीन। ओके, सातवां मोहर जब खुलता है आखिरी मोहर, तब क्या होता है? सातवां मोहर जब खुलता है स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा, एकदम शांत। आमीन। और 7वें अध्याय में शुरुआत में हम देखते हैं कि कौन लोग हैं जो मेमने के प्रकोप के सामने खड़े हो पाए, या मीन मेमने के प्रकोप से बच जाएंगे और मेमने के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में। आमीन। कौन ऐसे दो लोग हैं जो मेमने के सामने खड़े हो सकते हैं? पहला दो गवाह है। दो लोग बोल दिया मतलब एनोको एलिया, मतलब दो लोग मतलब हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन कौन से ऐसे दो भाग के लोग प्रकार के लोग थे जो मेमने के सामने बचे 7वें अध्याय में? पहला 144,000 यहूदी, वो मेमने के सामने प्रकट हुए सिंहासन पर। आमीन। और दूसरा जो है वो जो शहीद हुए यहाँ पर यीशु के लिए, राइट? वापस कंफ्यूज ना करूं। करेक्ट। जो हमने पांचवा मोहर देखा इसके पहले, पांचवें मोहर में हमने क्या बोला? वेदी के नीचे जो संत लोग जो प्राण न्याय के लिए पुकार रहे परमेश्वर को, वो लोग भी शहीद हुए थे। वो कौन से शहीद थे? 3.5 साल पहले वो ये वाले 3.5 साल में जो शहीद हुए। और वो क्यों शहीद हुए? यहाँ पर अभी मसीह विरोधी तो शांत है, वो शांति का वाचा उसने बांधा है। यहाँ पर उन लोग को बलि क्यों होना पड़ा, या मसीह के लिए क्यों मरना पड़ा? धर्म के कारण। वेरी गुड, टू गुड। आमीन। और अभी का जो अभी का जो हमने देखा कि दो लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने बचे हुए हैं, मेमने के प्रकोप से बच गए, 144,000 यहूदी और दूसरा जो शहीद लोग, बाकी के दूसरे शहीद। बाकी के दूसरे शहीद कहाँ से आए? वो दूसरे शहीद 3.5 साल में, जो मसीह विरोधी का उन्होंने 666 मार्क्स नहीं लिया और ये सारी चीज़ों से उन लोग बच कर शहीद हुए यीशु के लिए और वहाँ पर पहुँच गए। आमीन। दोनों शहीदों का आपको समझ में आ गया? ओके। फिर उसके बाद हमने 7वें अध्याय में ही उसके बाद 7वें अध्याय में 12 गोत्रों के बारे में हमने देखा।
उसमें से कौन से ऐसे दो गोत्र हैं जिनको ऐड किया गया जो 12 गोत्रों में से थे नहीं? यूसुफ और लेवी। और कौन से ऐसे दो गोत्र थे जिनके बदले में यूसुफ और लेवी को घुसा दिया, दो गोत्रों को निकाल के? वाओ, टू गुड, तालियां, टू गुड, वेल सर, क्या आंसर दे रहे, सीरियसली बहुत अच्छा रिप्लाई सबका। ओके, तो सातवां मोहर हमने देखा, आधे घंटे तक सन्नाटा छाया रहा, 7 तक हो गया, सबको समझ में आया। फिर से रिकैप, 4 और 5 में कौन मेमना है, मतलब मेमना जो योग्य है वही सिर्फ पुस्तक को खोल सकता है। फिर उसके बाद पुस्तक के खोलने के बाद 6 अध्याय से एक एक मोहर खुलना शुरू हो जाता है। पहला मोहर खुलता है तो सफ़ेद घोड़ा शांति, दूसरा मोहर खुलता है तो लाल घोड़ा युद्ध, तीसरा मोहर खुलता है तो काला घोड़ा अकाल, चौथा मोहर खुलता है तो पीला घोड़ा और मृत्यु और नर्क, आमीन। पांचवा खुलता है तो वेदी के नीचे वो सारे संत जो शहीद हुए यहाँ पर, आमीन। छठा जब खुलता है तो मेमने का प्रकोप, चांद और सूरज और सितारे, भूकंप। ओके, सातवां जो मोहर है, लास्ट आखिरी मोहर, स्वर्ग में शांति। उसके बीच में हमने देखा दो लोग जो मेमने के सामने खड़े हो पाए, पहले 144,000 यहूदी और दूसरे वो संत जो यहाँ के महासंकट 3.5 साल के आखिरी संकट से उन लोग बच के मसीह विरोधी से निकल गए और यीशु के पास पहुँचे शहीद होकर, आमीन। यहाँ तक सबको समझ में आया? और 12 गोत्रों के बारे में देखा जहाँ पर यूसुफ और लेवी को डाल दिया और डैन और एफ्रेम को निकाला है, आमीन। ओके, 8वें अध्याय में अभी आते हैं, 7 तक यहाँ पे सबको क्लियर हो गया, 7वें अध्याय तक। 8वें अध्याय में पहले तो 8वें अध्याय का पहला वचन दिया है कि आधे घंटे तक स्वर्ग में सन्नाटा छाया रहा। 8वें अध्याय में 2 वचन से 6 वचन तक वहाँ पर जो आपने देखा वेदी में धूप याजक जो चढ़ा रहा है परमेश्वर को, जो संतों की प्रार्थना है, आमीन, वो हमने देखा। उसके बाद 7वें वचन से तुरैया फूकी, 7 तुरैयों का वर्णन दिया गया है। पहला तुरई में क्या हुआ, जब पहला तुरई फूका गया, एक तिहाई घास जल गया। दूसरे तुरई में, तीसरे तुरई में पानी का सोता, ताज़ा पानी है, मैं चौथा तुरई एक तिहाई सूरज चांद और सितारों को जो भी काला नीला पीला जो भी हुआ, एवं उसके बाद ये 4 तुरैयाँ फूक दी गई। अभी कौन सी तुरैयाँ बाकी है, 5, 6 और 7, 3 तुरैयाँ फूकने वाली अभी बाकी है। तब यहोन्ना को ब्रेक मिलता है और वो देखता है आकाश में उकाब के समान एक स्वर्गदूत उड़ता हुआ और वो क्या चिल्लाता है, हाय हाय हाय, 3 बार वो हाय बोलता है, आमीन। आगे हम ये तीनों हाय देखेंगे क्या हुआ। पहले हाय में क्या होता है, जो 5वां तुरई जब फूका गया, टिड्डियों की दुष्ट आत्माएं जो अतः कुंड से खोल दी गई, उनको पूरे दुनिया में भेज दिया गया, आमीन। जब दूसरा हाई हुआ, मतलब 6ठी तुरई जब फूकी गई, तब क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, सही हो, बोलो। 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं को छोड़ दिया गया पृथ्वी पर उनको परेशान करने के लिए। 5वें जो तुरही में जो टिड्डियों को भेजा गया, उनका रूप कैसा था, कोई डिस्क्राइब कर सकता है? सब लोग हेल्प करें एक दूसरे को, कैसे दिख रहे थे लोग, हाँ जानवर थे, कैसा उनका बॉडी कैसा था, घोड़े के जैसा था, मुंह इंसान जैसा, बाल और के जैसे, यहाँ पर लोहे का पटुका था, आमीन, एंड व्हाट इज, सर पे मुकुट था सोने का जैसा और दांत शेर के समान, आमीन, और पंख चलते थे तो रथों के जैसा आवाज आता था। तो ये हमने 5वीं तुरई में देखा, जो टिड्डियों को बाहर निकाला गया वो ऐसे दिखते थे। 6ठी तुरई में जो दूसरा हाय था उसमें 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला गया। तीसरे हाय में, यानी कि 7वां आखिरी तुरई जब फूका गया, तब क्या हुआ, परमेश्वर का रहस्य क्या था, शैतान का नीचे गिराया गया, आमीन। ओके, यहाँ तक हमारा पूरा 9वां अध्याय 21 वचन तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि 7वीं तुरई का हमने सिर्फ शुरुआत देखा कि 7वीं तुरई में क्या किया, परमेश्वर का रहस्य था कि स्वर्ग से शैतान को
निकाल के फेंक दिया जाए धरती पे। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे जब स्वर्ग में से शैतान को नीचे धरती पे फेंक दिया जाता है, तो ये आखिरी तुरही में, सातवीं तुरही में शैतान कैसे तहस नहस इस दुनिया में धरती के लोगों के ऊपर करता है। आमीन। ओके, उसके बाद यहाँ तक हमारा 21 तक कंप्लीट हो गया। 9-21 तक हमने देखा कि ये 3.5 साल में 7 मोहरें खोली गई और 7 तुरियां फूकी गई। कंप्लीट यहाँ तक 9-21 तक। अब देखेंगे मिडल हफ्ते में 10-1 से 13-18 तक क्या होता है, मिडल वीक, 3.5 साल अभी आखिरी का आज हम देखेंगे। आमीन। मिडल हफ्ते में क्या हुआ, ये पूरे मिडल हफ्ते में सातवीं तुरही के बारे में बताया गया है कि सातवीं तुरही फूकी गई तब क्या क्या हुआ। आमीन। सबसे पहले 10वें अध्याय में हमने एक सामर्थी स्वर्गदूत को देखा, वो कौन था, यीशु मसीह। आमीन। उसका एक पैर और एक पैर जमीन पर था। आमीन। वो पानी और जमीन क्या दर्शाता है, यहूदी और यूनानी, तीन तरह के लोग हमने देखा, यहूदी, यूनानी और कलीसिया के, परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग नहीं रहेंगे क्योंकि रैप्चर में उठा लिए गए, बचे सिर्फ यहूदी और यूनानी। आमीन। आगे ये हमने देखने के बाद 11वें अध्याय के शुरुआत के 2 या 3 वचन में वहाँ पे मंदिर का मेजरमेंट नाप लेने के लिए यहुन्ना से वो कहता है और देखने को कहता है कि मंदिर का नाप ले, और वो स्टार्टिंग के 2-3 वचन में देखा 11वें अध्याय के। उसके बाद 11वें अध्याय के आगे के पूरे अध्याय में हमने देखा 2 गवाहों के बारे में। आमीन। जो 1260 दिन तक धरती पर रहेंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। आमीन। यानी कि 3.5 साल। आमीन। ये आखिरी के 3.5 साल में ये 2 गवाह आएंगे जो कि पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करेंगे। ये पहले के परमेश्वर कितना भला है ना, वो किसी कभी नाश होने के लिए वो चाहता नहीं, जैसे 2 तीमोथी में परमेश्वर का वचन कहता है ना 2:4 में कि वो चाहता नहीं कि किसी का नाश हो, लेकिन हर मनुष्य सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। ऐसे प्रकोप में भी वो कितना भला है कि वो लोगों को मौका दे रहा है पश्चाताप करने का। ये 3.5 साल में उसने 144,000 लोगों को रखा, यहूदियों को, इन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए ताकि इन लोग मन फिराए। और ये 3.5 साल में उसने ये 2 गवाहों को भेजा, और अभी आने वाले टाइम में हम आगे देखेंगे कि कैसे उसने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजा लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। आमीन। तो यहाँ पर मिडल वीक में हम देख रहे हैं कि 2 गवाह आए 1260 दिन तक, यानी 3.5 साल तक उन्होंने लोगों को प्रचार किया। और ये 2 गवाह कौन थे, पक्का एनोक और एलिया, मूसा एनोक या मूसा एलिया नहीं, एनोक और एलिया। आमीन। और इनका मौत कैसे होता है, ये 2 गवाहों का, हाँ लेकिन कैसे मरता है, एक पशु जो अतः कुंड से आता है और वो ये दोनों को घात करता है, 2 गवाहों को। और 2 गवाहों का लाश कहाँ मिलता है, बीच सड़क में उनके लाशों को फेंक दिया जाता है। और कितने दिन के बाद उन लोग का पुनरुत्थान होता है, 3.5 दिन के बाद उन लोग फिर से जी उठते हैं। आमीन। और फिर उसके बाद उन लोगों का भी रैप्चर हो जाता है, उन लोगों को भी उठा लिया जाता है। आगे देखते हैं, ये 11वें अध्याय में हमने देखा। आमीन। 2 गवाहों के बारे में 12वें अध्याय में आते हैं। 12वें अध्याय में एक्सप्लेन, तो आगे अभी ब्रदर के हाथों में देते हैं 12वां अध्याय। 11 तक मैंने एक्सप्लेन किया 2 गवाहों के बारे में, जो आए प्रचार किया, मर गए, और 3.5 दिन के बाद जिंदा होने के बाद उन लोगों को रैप्चर में वापस उठा लिया गया। आगे का जो 12वां अध्याय है वो ब्रदर को आज वापस एक्सप्लेन करने दो कि